और नाज़रीन, पुलिस जराइम क्यों कंट्रोल नहीं करती? डकैतियों और कत्लो गारत पर कराची वाले शदीद गुस्से में हैं। क्या कहा कहा आपको दिखाते हैं। हमें जो ना इस शहर बात का यकीन दिलाएं कि हमारी जान और माल महफूज है और आप लोग इसके लिए परेशान है सर। वीआईपीस के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल चलता है कि दो दो घंटे हम लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, पूरी सड़क प्रोटोकॉल से भर जाती है। अल्लाह का वास्ता भाई, पुलिस की मोबाइलें बढ़ाएं, गश्त बढ़ाएं। कराची के अंदर कोई सिक्योरिटी है नहीं सर। आज भी एक नौजवान कत्ल हो गया, यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर का था। दो दिन पहले मेरा एक दोस्त जिम का, उसको पीआईबी कॉलोनी में मार दिया गया डकैतों की फायरिंग से। सर कोई यहाँ पे बड़े बड़े हुक्मरान जो है जो बैठे हुए हैं सिर्फ बातें कर सकते हैं, एसी वाले रूम में बैठे हुए, जब वो निकलते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल होती है, पुलिस होती है। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आजादी मार्च आज रवायत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी चार सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं चलेगी। ओ, हम कोई गुलाम हैं जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर वन चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए। कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।